डॉक्टर गीतांजलि, बहुत बहुत थैंक स्वागत है आपका स्पीकिंग श्री के फेसबुक लाइव पे। एक यू सो मच, धन्यवाद मुझे बहुत बुलाने के लिए। जी जी बिल्कुल गीतांजलि जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। गीतांजलि जी, इस वक्त हमारे यूजर्स आपसे सीधा कनेक्ट हुए हैं और जैसा कि विषय हमने सभी के साथ शेयर किया है कि क्या पिछले जन्म के रिश्ते हमसे इस जन्म में टकराते हैं। हम गीतांजलि कई बार अक्सर सोचते हैं कि हमारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है या हमें जो रिश्तों के रूप में लोग मिले हैं, जो दोस्त मिले हैं, कहीं ना कहीं ऐसा अक्सर लगता है कि ये कहीं पुराने जन्म के जो रिश्ते नहीं है। कई रिश्ते इतने पक्के हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि यार कुछ तो कनेक्शन है। तो क्या वाकई ये चीज एग्जिस्ट करती है? हाँ, मेरे अध्ययन से और जो मैंने पढ़ाई की है उससे, मैंने जितने भी रिग्रेशन सेशंस किए हैं, मेरे पास काफी लोग आते हैं अक्सर कि मेरे ये रिश्ता है, मेरे ये हस्बैंड है इस लाइफ में, तो हमारा रिश्ता थोड़ा सा खट्टा मीठा है या फिर हमारा रिश्ता थोड़ा सा खराब है, जो भी है उनका। लेकिन वो हमेशा देखते हैं कि कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन अपने पिछले जन्म से करंट लाइफ में होता ही है, इसीलिए कुछ ही लोग आपको टकराएंगे, कुछ ही लोगों के साथ आपका वो बोलते हैं ना कि एक विचारधारा मिलेगी आपको। वो जो लोग टकरा रहे हैं वो मोस्टली आपके पास लाइफ से ही हैं, क्योंकि हम वी ट्रेवल इन सोल फैमिलीज, हमारी एक सोल फैमिली होती है जो हम, जिससे हम जब नीचे जन्म लेते हैं तो हम एक ह्यूमन बीइंग, हम अब ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी सोल दूसरी सोल को, हमारी आत्मा दूसरी आत्मा को पहचानती है। तो आज के जन्म में हो सकता है कि मेरी मदर हो, लेकिन पास्ट लाइफ में वो मेरी हस्बैंड भी हो सकती है, मेरी लवर भी हो सकती है, मेरा बेटा भी हो सकती है, कुछ भी रिश्ता, मतलब हमारे रिश्ते बदलेंगे लेकिन हमारी जो सोल है, इसलिए आपको वो कनेक्शन महसूस होता है कुछ कुछ लोगों के साथ और सबके साथ महसूस नहीं होता है। लेकिन आप समझ के चलिए कि फैमिली के सारे लोग आपके पास्ट लाइफ से ही जुड़े हैं। बाद में जो दोस्त मिलते हैं, बाद में जो आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, जो कुछ लोग बहुत साथ चलते हैं, वो भी आपके पास लाइफ से जुड़ते हैं। जो आके चले जाते हैं, ठीक है, उनका इतना स्ट्रांग कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी कनेक्शन रहता है। जी बिल्कुल, आपने रिश्तों की बात करी गीतांजलि जी, तो मेरा पहला सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। कॉस्मिक कनेक्शन का अक्सर हम थ्योरी आजकल पढ़ रहे हैं और तेजी से आप देख रहे हैं कि कई सारे कंटेंट आपको कॉस्मिक कनेक्शन पर मिल जाएंगे। हम इस बारे में अक्सर पढ़ते हैं, तो क्या वाकई किसी से हमारा कॉस्मिक कनेक्शन या जिसको हम अलौकिक रिश्ता कहते हैं, ऐसा क्या वाकई में होता है? अगर आपका कैसे कहते हैं ना, इस जन्म में आपको वो अलौकिक रिश्ता मिलना है या आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है ऊपर इधर धरती पे आने से पहले, तो आपका कॉस्मिक कनेक्शन, आपको जिससे अलौकिक रिश्ता होता है, वो आपको डेफिनेटली किसी रूप में, किसी फॉर्म में आपको जरूर टकराएगा इस लाइफ में। क्योंकि तो अलौकिक कनेक्शन की वजह से, देखिए हम यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारे कनेक्शन है, जो हमारा कर्मा है, उसका आदान प्रदान, उसका हमें बेसिकली बोलते हैं ना कि मुझे कुछ देना है, सामने वाले को मुझसे कुछ लेना है, या मुझे कुछ लेना है, सामने वाले को मुझसे कुछ देना है, उसके लिए मुझे एक ह्यूमन फॉर्म लेना पड़ेगा। मैं ऊपर फोर्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, आकाशिक रिकॉर्ड्स, या जो लाइफ बिटवीन लाइफ हम कहते हैं, दो जन्मों के बीच का लाइफ जो मेटाफिजिकल में होता है, जो हमें सिर्फ आत्मा के तौर पे हम भुगत एक्सपीरियंस करते हैं, वो उधर हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसलिए हमें ये शरीर की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम वो अलौकिक कनेक्शन, कॉस्मिक पार्टनर्स एक्सपीरियंस कर पाए। बिल्कुल, हमारे साथ में देखिए लगातार यूजर जुड़ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया एनडीटी के भी यूजर हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सभी का फिर से मैं एक बार स्वागत करना चाहूंगी। और देखिए हमारे साथ डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना जी जुड़ी हैं सीधा मुंबई से और पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। आपके जो भी सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए और हम कोशिश करेंगे आप सभी के सवाल लेने की। टॉपिक क्या है हमारा ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं लाइव के। तो गीतांजलि जी, जो मेरा अगला सवाल है वो एक मुद्दे पे है, मतलब ये प्रॉब्लम, ये परेशानी लगभग कई सारे लोग झेलते हैं और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ से जुड़ी हो सकती है। तो अगला जो सवाल है वो मेरा ये है, अक्सर हम देखते हैं कि पिता बेटे में या बेटी माँ में या बेटे माँ में या कई अन्य रिश्तों में नहीं बनती है, जबकि वो बिल्कुल हमारे इतने क्लोज होते हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है हमें इस रिश्ते से, हमें अपने बच्चे से, हमें अपने पिता से, माँ से दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पट नहीं रही है। तो वो क्यों
चीजें आगे आती हैं सामने, हम बहुत कोशिशें भी कर लेते हैं लेकिन उसका हमको कहीं भी कोई हल नजर नहीं आता। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज भले वो लोग माता और बेटे हो सकते हैं या बहुत एक क्लोज रिलेशन हो सकता है, लेकिन पिछले जन्म में हो सकता है उनके रिश्ते में कोई बिट्रेयल आया हो, हो सकता है कि वो कोई दोस्त हो और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखा दिया, हो सकता है कि वो हस्बैंड वाइफ हो और हस्बैंड वाइफ में किसी से कोई धोखा मिला हो, हो सकता है कि फादर हो, ब्रदर हो। तो आप देखोगे कि एक रिश्ते में एक जन हावी रहेगा और एक जन थोड़ा सा बैक सीट पे रहेगा। कितना भी कोशिश करो वो सामने वाला है ना आपको समझेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं कि आपको भरोसा कर सकता है, आप पे उसको विश्वास आ सकता है। एक एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस होता है ना, ये एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस क्यों होता है, क्योंकि हमारी आत्मा दूसरे आत्मा को ये फेस नहीं देख रही है, वो सीधा आत्मा को देख रही है, आंखों से देख रही है कि ये जो जो मेरे सामने आज मेरे पति के रूप में आया है लेकिन इसने पिछले जन्म में तो मुझे जान से मार डाला है, या पिछले जन्म में ये बंदे ने मुझे बहुत परेशानी बहुत कष्ट दिया, या पिछले जन्म में ये मेरी सास थी और उसने मुझे बहुत परेशान किया है। तो वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि पास्ट लाइफ जो है वो हमारे अंतर मन में उसके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, और अंतर मन आपका आपके साथ रहता है, अंतर मन आपका कहीं नहीं जाता, तो वो अंतर्मन में उसके रिकॉर्ड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है, कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन भी आता है। अब जो रिश्ते होते हैं घर वालों के, फैमिली के, आप वो रिश्ते तोड़ नहीं सकते, आप बाहर के रिश्तों को छोड़ सकते हैं, कोई दोस्त सही नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसीलिए आप देखोगे कि द मैक्सिमम कार्मिक पैटर्न्स आपके क्लोज रिश्तों में ही आता है और बाहर के रिश्तों में नहीं आता। ज्यादा दुख, ज्यादा तकलीफ एक इंसान को उसके क्लोज रिलेशन ही देते। और कभी कभी आप देखोगे कि थोड़े टाइम रिश्ता अच्छा रहा, उसके बाद खराब हो गया। तो वो एक आपका कार्मिक, आपको जब सीखना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए, यू आर हियर टू लर्न लेसंस, यू आर हियर टू लर्न विजडम, आप कुछ सीखने के लिए आए, आप अपना विजडम बढ़ाने के लिए आए हैं, तो सडनली रिश्ता खराब हो जाता है। बिल्कुल गीतांजलि जी, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी नमस्कार, नमस्कार जी। अनमोल जी कह रहे हैं बहुत अच्छा टॉपिक है, मनीषा जी कह रही है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी मनीषा जी, सवाल भी पूछिए अगर आपको कुछ लग रहा है। आर्यन यादव जी हैं, वो पूछ रहे हैं हाउ कुड वी नो वी हैव कनेक्शन विद समवन और इज शी और ही रैंडम विद अस, इज व्हाट विद अस, रैंडम है वो बंदा या फिर हमारा कोई कॉस्मिक कनेक्शन है। देखिए, अगर आपका कॉस्मिक, जैसे आप किसी से एक, बहुत सारी चीजें होती है पता होती है, जैसे आप कहीं ना कहीं कोई जगह पे जाते हैं आपको लगता है ये जगह से मेरा एक कनेक्शन है, वैसे आप किसी को जब मिलते हैं और आपको एक आत्मीय कनेक्शन लगता है, आपको लगता है मुझे इससे बात करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ये इंसान मेरे आसपास रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, एक आपका है ना पूरा वातावरण बदल जाता है। कितनी समय आपको है ना एक नाम का स्मरण होता है, आपको वो नाम से ऐसा लगता है ना, वो नाम नहीं वो म्यूजिकल म्यूजिक है आपके लिए, तब आपको लगता है कि यहाँ ये मेरा आत्मिक कनेक्शन है। आप लोग एक काम कीजिए, जो जो वहां है आप सोचिए कि आपको कौन सी जगह, आपने इतने इतने सारे लोग हैं कहीं ना कहीं तो घूमे होंगे, कौन सी जगह से आपका जब ज्यादा कनेक्शन था, कौन सी जगह पे आपको आके लगा अरे मैं घर आ गया, कौन सी जगह पे आपको ऐसा लगा कि अरे ये जो बंदा है ये मुझे बहुत प्यार करता है या मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ या यही प्यार के लिए मैं जन्मों जन्मों भटका हूँ या फिर ये मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझता है, मेरे खुद के घर वाले मुझे इतना नहीं समझते हैं, तो तब एक एक आत्मिक कनेक्शन होता है। अगर आप देखेंगे कि पेरेंट्स का भी हर बच्चे के साथ कनेक्शन अलग होता है क्योंकि उनका कार्मिक हर बच्चे के साथ अलग है, कोई बच्चों को वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कोई बच्चे को वो धुतकारते हैं, तो आपने जो कार्मिक उनके साथ रिश्ता निभाया है वो आपको इस जन्म में मिलेगा। जी बिल्कुल, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं हमको, कुछ छोटे छोटे संकेत कि हम पहचाने कि जो ये रिश्ता है हमारा, या मान लीजिए कहीं हम क्लिनिक में गए और उस डॉक्टर के साथ हमें बिल्कुल ऐसा ऐसा महसूस हुआ कि जी मैं इससे तो पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, इससे तो मेरा पुराना कहीं किसी जन्म का रिश्ता है। कई बार हमें लगता है ऐसा मैम, लोग प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो कई लोग हैं जिस बात को डिनाई करते हैं, पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हर किसी के एक सवाल ये जरूर आता है। तो कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि इस बंदे के साथ या इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है?
जो साइंस होते हैं कि आपको पता चले कि ये बंदे के साथ या बंदी के साथ हमारे पिछले जन्म का रिश्ता है, ये तब हो सकता है जब आप उसके वक्त, अगर सपोज मैंने किसी के साथ समय बिताया, तो वो जो समय बिता रहे हूँ मेरे जो विचार हैं, ये कभी कभी होता है ना कि मैंने बोला या नहीं बोला, सामने वाले ने अपने आप समझ लिया, ये वो एक संकेत है। अगर मैंने सिर्फ देखा, मेरी आंखों से वो समझ गया कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो आपको पता चलता है। हाँ, जैसे सपोज मैं कहीं अनकंफर्टेबल हूं और सपोज मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं या कोई साथ है, और मैंने सिर्फ देखा और वो इंसान समझ गया कि अरे ये यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, ये मैं, इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग द हस्बैंड एंड वाइफ, ये मैं एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता भी बोल सकती हूँ कि आपको देखते ही समझ में आता है। सपोज आप लोग 8-10 फ्रेंड्स कहीं जा रहे हैं, आप देखोगे कि दो तीन फ्रेंड्स का एक पेयर बन जाता है। फिर अगर आपने कोई पिकनिक पे गए, तो उस समय अगर आप देख रहे हो कि एक जन है जिसके साथ बहुत कंफर्टेबल है, या फिर वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर आपने आपको आंखों ही आंखों में आपको समझ में आता है, या फिर वो कुछ बोलना चाहता है आपको समझ में आ जाता है, वो सारे रिश्ते, आपके हैबिट्स भी सेम होंगे, आपके विचार भी सेम होंगे। कितनी बार ऐसे कनेक्शंस मैंने देखे हैं कि आप जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन फैमिली में आप जन्म लेते हैं, लेकिन आप एकदम प्योर वेज होते हैं, क्यों? ऐसा क्या संस्कार है आपका पीछे का? मैंने कितने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज में, बोलते हम अंडा भी नहीं खाते हैं, अपने आप ही वो बच्चा 4 साल 5 साल से छोड़ देगा, ये किसी ने बोला नहीं है, आप तो वो वातावरण देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। कितनी बार अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई हमारा बुजुर्ग एक्सपायर हो जाता है, फिर 10-15 साल बाद एक बच्चा जन्म लेता है, आप देखोगे कि वो बच्चे के थोड़े हाव भाव वो बुजुर्ग से मैच करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो था वो हमारे जो बुजुर्ग चले गए थे, उन्हीं का रीइनकार्नेशन है या उन्हीं का दूसरा जन्म है। गीतांजलि जी, हमने इन संकेतों पे बात करी और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कुछ एक दो संकेत ही ऐसे होंगे जो आप हमारे साथ शेयर कर पा रही होंगी, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो परेशानी ये लोग अपने रिश्तों में प्रॉब्लम फेस करते हैं, कि पिता है उनका बेटे से नहीं बन रही है, या जो माँ है उनका अपनी बेटी या बेटे से नहीं बन रही है, या कहीं ना कहीं आप खून के रिश्तों को दरकिनार तो नहीं कर सकते, तो आपको उनके साथ मिला जुला के रखनी है, आपको उनके साथ बना के भी रखनी है, तो क्या पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि मदद कर सकते हैं इसमें? देखिए, इसमें मैं आपको एक ही केस बोलूंगी कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके बच्चे थे, और हस्बैंड वाइफ की जरा भी बनती नहीं थी। हस्बैंड पता नहीं वाइफ के जैसे क्लोज आता था तो वो उसको गुस्सा आने लगता था, तो उसे समझ नहीं आता था क्यों है। तो मैंने उस केस स्टडी, दोनों आए मेरे पास, तो मैंने कहा चलिए देखते हैं पास्ट लाइफ क्या है। हस्बैंड की जब पास्ट लाइफ की, तो पता चला कि पिछले जन्म में वो जो वाइफ थी उसकी फ्रेंड थी, मतलब दो मेल फ्रेंड्स थे, और उसकी वाइफ ने, उन लोग दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, और जो मेल वाइफ थी करंट लाइफ में, जो फ्रेंड थी पास्ट लाइफ में, उसने है ना उनका चीट किया, पैसों की चीटिंग करी। तो इस जन्म में क्या था, वो सबको पैसा दे सकता था लेकिन उसको पैसा नहीं देता, उसको बहुत तकलीफ देता, उसको कोशिश करता कि नहीं। तो जब वो फियर जो था उसका, वो जो एक धोखा, ये मुझे धोखा मिलेगा मुझे, और जबकि कुछ सामने दिख नहीं रहा था, वो ऐसा नहीं था कि उसका पैसा छीन लेती, बट उसका वो पिछले जन्म का फियर था। तो जब वो पास्ट लाइफ पूरी हमने हटाई, तब उसका बिहेवियर अपनी वाइफ की तरफ बदला, और फिर उसके अंदर उसको फर्क पड़ा। आप बार बार साइंस की बात कर रहे हो, साइंस की बात ये होती है कि एक आपको अंदर से, दिल से पता चलता है कि ये इंसान के साथ मेरा कनेक्शन हो सकता है। विचार, अगर आपके किसी के साथ विचार मिलते हैं, वो आपका अलौकिक संबंध है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बट उसको 100% एक्सेप्ट करते, वो आपका अलौकिक संबंध है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कोई जगह पे गए और आपको कोई ऐसा बंदा मिला या बंदी मिली जो आपके लिए बहुत हेल्प करता है, गुरु, कभी कोई गुरु शिष्य भी हो सकता है, कोई लवर्स भी हो सकते हैं, कोई दो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपका अलौकिक संबंध है। लेकिन अलौकिक संबंध ये ऐसा नहीं होता है कि 2 सेकंड में हमें पता चल जाता है, हमारी आत्मा को पता पड़ जाता है, लेकिन हमें एज ह्यूमन बींग्स रियलाइज करने को टाइम लगता है। लेकिन आप देखोगे कि अपने आप आपका खिंचाव उसकी तरफ ही होता है। कितने लोग हमारे पास आते हैं कि हमको उसको छोड़ना है, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि एक संबंध है। और आंखें, आपकी आंखें दूसरी आंखों को पहचान लेती है। तो साइंस दैट यू हैव विजिटेड द प्लेस बिफोर इज, इफ यू हैव अ वेरी, अगर आपका लाइफ में आज कोई सोलमेट है जो आपको समझ सकता है, वो आपका एक साइन है कि आपके लाइफ में एक बंदा है जो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझता है, कंपैटिबल और कंपैशनेट सोलमेट है।
अगर आपने कोई जगह पे गए जिस जगह पे आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले भी इस जगह पे आ गया, वो आपको लगता है। अगर आपको ऑटोमेटिकली आपको ना हिस्ट्री के एग्जाम में या मैथमेटिक्स के एग्जाम में आप पूरा 100% स्कोर करते बिना पढ़े, वो मतलब है कि आपने ये सब्जेक्ट कभी ना कहीं पढ़ा है। कितने सारे हमारे पास जो बेसिकली 3 साल 4 साल के बच्चे कितना मैथमेटिक्स जानते, कहाँ से जानते, पास्ट लाइफ से जानते, वो सारा आपका कनेक्शन है। आप जिस जगह पे बॉर्न हुए, जिस पेरेंट्स को बॉर्न हुए हो, वो भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं मैम कि घर में पैदा होने वाले जो हमारे संतानें होती हैं उनका कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म से संबंध होता है। 100%। गीतांजलि जी, कोई एक केस मैं जानना चाहूंगी आपसे जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहते हैं, जिनके बारे में आपने जाना, उनकी कुछ परेशानियां रही होंगी या जिस भी वजह से वो आपके पास आए, जिनसे आपने एस्टैब्लिश किया कि ये जी पास्ट लाइफ का मामला है, कोई एक दो केसेस अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, एक जन था कि जो उनके वापस से मैं हस्बैंड वाइफ बोलूंगी, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं था और हस्बैंड वाइफ को मारता पीटता तक था। तो जब हमने मैंने उसको तो वाइफ आई, हस्बैंड नहीं आया, वाइफ आई। ये जो क्लाइंट थे वो लंदन से थे, तो जब वाइफ इधर इंडिया आई थी कुछ दिन रहने के लिए, तो जब हमने उसको पास्ट लाइफ कराई तो वो 2-3 बार पास्ट लाइफ में जा नहीं पाई। फिर जब चौथी बार पास्ट लाइफ में गए तो उसने महसूस किया कि मैं कहीं खड़ी हूँ और मेरे जो जो हस्बैंड हैं वो, मैं उस लाइफ में मेल हूँ और हस्बैंड उस लाइफ में फीमेल है। ओके। और वो फीमेल का किसी और के साथ रिश्ता था, संबंध था, और वो फीमेल ने उसको एक जगह पे, शांत जगह पे बुलाया था। तो शी एंटर्ड हर डेथ सीन ओनली और उसने देखा कि वो उसकी जो करंट लाइफ हस्बैंड, पास्ट लाइफ वाइफ ने आके उसको पीछे से छुरा भोंक दिया। तो करंट लाइफ में उनको वो दर्द था, जैसे आपने कहा ना निशानी, तो आपको कभी एक अजीब सा दर्द होता है जबकि कोई रीजन नहीं होता, या आपके बॉडी पे बर्थ मार्क्स होते हैं जहां पे, जब आप कभी गिरे नहीं, यू आर बॉर्न विद बर्थ मार्क्स, तो ये सारे के सारे पास्ट लाइफ के निशान हैं जो आपको करंट लाइफ है। तो उसको एक अजीब सा एक्यूट पेन होता था शादी के बाद, तो जैसे ही शादी हुई तो उसकी वो पास्ट लाइफ ट्रिगर हो गई कि ये इंसान मुझे मार भी सकता है। तो वो है ना, हमेशा अपने हस्बैंड को डिस्ट्रस्ट से देखती थी, हस्बैंड का भी उससे बहुत डिस्ट्रस्ट था। तो ये तो मैंने एक पास्ट लाइफ देखी, उन्होंने देखी, उसके 2-3 पास्ट लाइफ देखी जहां वो वाइफ ने भी, मतलब जो करंट लाइफ वाइफ ने भी उनको धोखा दिया था पैसे के लिए। जब वो चला गया, खत्म हो गया, तो 50% रिश्ता काफी अच्छा हो गया क्योंकि सिर्फ वाइफ ही आई थी, लेकिन वो रह नहीं सकती थी, जो हस्बैंड एकदम सडनली गुस्सा हो जाते थे उससे एकदम बदल गए। एंड थोड़ा सा रहा लेकिन इतना नहीं रहा, बिकॉज शी वॉज हैविंग दिस फियर ऑफ गेटिंग। आई हैव सीन सो मेनी केसेस कि लोगों की शादियां नहीं होती हैं क्योंकि वो पहले पास्ट लाइफ में चाइल्ड बर्थ पे मर जाते हैं। मेरे पास एक केस आया था जिसमें वो लड़की की शादी हो गई थी लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे, हो ही नहीं रहे। हमने उसकी पास्ट लाइफ करी, तो जब पास्ट लाइफ की तो उसने देखा कि मैं एक पास्ट लाइफ में हूँ, मेरा जो हस्बैंड है वही मेरा हस्बैंड है उस पास्ट लाइफ में, और मेरा सडनली रेप होता है, मेरे हस्बैंड कोई लैंड ओनर है और हम लोग अटैक हो जाते हैं और मुझे मेरा रेप हो जाता है, और रेप होने की वजह से मुझे, मैं बाद में वो रेप की वजह से प्रेग्नेंट भी हो जाती हूँ, और जो बच्चा होता है वो बच्चे को मैं जन्म देते देते मर जाती। सो शी हैड सो मच ऑफ फियर ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड कि वो किसका हो सकता है, क्या होगा, एक ट्रॉमा था उस पूरे इंसिडेंट को। तो हमने वो ट्रॉमा को रिलीज किया, बेसिकली हम कहते हैं रीलिविंग, हम जाते हैं री एक्सपीरियंस करते वापस आ जाते हैं, तो उस चीज का चार्ज चला जाता है। शी बिकेम प्रेग्नेंट इन अ इयर्स टाइम, अभी तो उसका 4-5 साल का बच्चा है। गीतांजलि जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो थेरेपीज होती हैं इनके बाद ऐसा क्या परिवर्तन आता है, क्या कुछ एनर्जीज का खेल होता है ये कि आप जब जान लेते हैं कि आपके साथ पास्ट लाइफ में क्या हुआ है और क्यों ये चीजें इस जन्म में हो रही है, तो ऐसी क्या एनर्जीज सेट होती है या क्या कुछ ऐसा होता है जिनकी वजह से वो चीज सॉर्ट आउट हो जाती है? देखो, अभी जैसे मैं इधर खड़ी हूँ, ठीक है, अभी आपका कनेक्शन है, ठीक है, अभी आपका मेरा अगर पिछले जन्म का कॉस्मिक कनेक्शन है नॉर्मल भी, तो जैसे मैं आपको देखूंगी ना, तो जो मेरी पास्ट, आपके साथ पास्ट लाइफ है वो ट्रिगर हो जाएगी। अब वो पॉजिटिव रहेंगी तो कनेक्शन पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव रहेंगी तो कनेक्शन नेगेटिव है। जब हम उस चीज को खत्म करते हैं,
जब हम वो चीज को देख लेते हैं, क्योंकि वो ट्रिगर्ड तो हो गए हैं, जब हम वो चीज को देख लेते हैं और वो चीज को हम खत्म करते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि हम करंट लाइफ में ही जी रहे हैं, हम पास्ट लाइफ में नहीं जी रहे। तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको वेंट आउट कर देता है वो फियर को, और फिर वो फियर को जब आप वेंट आउट कर लेते हो, आप ऑटोमेटिकली आप वो भी सेम व्यक्ति को दूसरे तरह से देख सकते हो। मैंने कितनी बार केसेस में देखा है कि जब अगर मदर फादर की, सॉरी मदर फादर नहीं, मदर और सन की नहीं बनती है तो क्या है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि अरे ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है रिश्ते के, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, तो वो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, क्योंकि मदर तो इतना कोई एक्सपेक्ट आज कर नहीं रही है। पर जब हमने वो देखा और खत्म किया है तो कितनी बार गिल्ट होता है वो रिलीज करते, तो बहुत बहुत फायदा होता है। मैंने ये हेल्थ में, आपकी जो पास्ट लाइफ है आपको हेल्थ को ठीक करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि हेल्थ आपने जो पिछले जन्म में जो गलत कर्म किए उसका गिल्ट आपको इस लाइफ में अपने बॉडी के थ्रू, आप अपने शरीर के थ्रू पे करते हैं। तो आपको जैसे कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, हम ये नहीं कह रही हूँ कि कैंसर को हम ठीक करते हैं, नहीं, बट हम उसे हेल्प करते हैं कि जो मेडिसिन है उसके साथ साथ आपका माइंड एक्सेप्ट करे ट्रीटमेंट को। जी बिल्कुल। अगला सवाल आशा जी पूछ रही हैं, कहती हैं मेरा 5 साल का बच्चा है, बेटा है, वो काफी आध्यात्मिक है और साधना भी करता है, बैठ जाता है, तो क्या ये उसके पिछले जन्म का कर्म है, क्योंकि हमने कभी उसको ये चीज नहीं सिखाई। वेरी गुड। ये पिछले जन्म में जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा पंडित या बहुत बड़ा मतलब यू नो वेरी आध्यात्मिक सोल रही होगी, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई साधु की सोल रही होगी या संत की सोल रही होगी, इसलिए वो चीजें उसके अंदर ऑलरेडी हैं। और अगर आपने कहा कि एनवायरनमेंट वैसा नहीं है तो कहाँ से आ रहा है, पिछले जन्म से ही आ रहा है, उसको याद है उसका पिछला जन्म, क्योंकि 8 साल तक बच्चे रिमेम्बर रखते हैं, उनको याद रहता है मेरा पिछला जन्म। 2 साल तक तो बहुत एक्यूटली उनको रिमेम्बर होता है, फिर धीरे धीरे भूलने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनको याद रहता है कि अरे मैं ये, मैंने, मेरा पास ये था पिछले जन्म में, मैंने ये किया था। उनको उन लोगों की स्मरण या उनकी मेमोरीज रहती है। अगर वो उनको इसी जगह पे डेवलप करे कि उनको इस बार भी बच्चे को सिखाए, जैसे भगवद गीता सिखाए या जो भी सिखाए, ही विल डू वेरी वेरी वेल इन लाइफ, ही कैन बिकम अ वेरी बिग मोटिवेशनल स्पीकर और समथिंग लाइक दैट। अगला सवाल गीतांजलि जी, गुंजन अरोरा का आ रहा है, पूछिए, समटाइम्स वी हैव फियर ऑफ सम एग्जिस्टिंग इश्यूज, इज दैट आल्सो रिलेटेड टू पास्ट लाइफ, मे बी लाइक अ फियर ऑफ सेक्सुअल लाइफ और गेटिंग मर्डर्ड। या तो आपको याद है मैंने अभी आपको एक केस स्टडी दिया जिसमें लेडी का इशू था, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, उसको सेक्स का भी इशू था, तो वो रेप हुई थी, तो उसको डर था। एंड जो हमें कई बार एक ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई मार के ना चला जाए, हमारा कोई कत्ल ना, मेरी एक स्टूडेंट थी दरी अंधेरी में रहती थी, तो उसने मुझे बोला था, उसने मुझसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा भी था, तो उसने मुझे बोला था जब मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है ऐसे कोई आएगा और मुझे पीछे से खोद डालेगा, और जबकि घर का पूरा बंद रहता है, पर मुझे डर जाता नहीं। तो जब हमने उसका रिग्रेशन किया, और एक ही रिग्रेशन की जरूरत पड़ी, तो जब हमने रिग्रेशन किया तो देखा कि पास्ट लाइफ में वो एक ओल्ड लेडी थी और वो अकेले घर में थी और उसको मार दिया गया था, उसके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे, वो लोग कहीं गए थे, कहीं दूसरे गाँव में गए थे पूरा परिवार, और इसको छोड़ दिया था, मतलब इसका ही डिसीजन था नहीं जाने का, और वो मर गई। तो वो जो फियर है, अब जैसे वो घर में अकेली रहती है, उसका जो पास्ट लाइफ है बोलता है आप मर सकते हैं, आप मर सकती, आप मर, ये आपका मैसेज आपको अंतर्मन देता है, इसलिए आपको ना ऐसे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे आपको कुछ आभास महसूस होता है। कोई कोई आपके पास पावर्स होती है जो आपने इस लाइफ में आपने नहीं किया, लेकिन पास्ट लाइफ से आती। कोई कोई लोग जैसे कुछ भी बोल देते हैं वो सच होता है, तो कोई ना कोई लाइफ में वो बहुत बड़े बोलते ना भविष्य को देखने वाले वैसे होंगे, इसलिए वो वहां से उनकी लाइफ आ रही। आपका जो वोकेशन है, आपका जो सब्जेक्ट है, अभी जैसे अहिला जी आपका, आप हैं, आपने ये जो लिया, डेफिनेटली आपकी जो आत्मा है या आपकी सोल है उसने ये चीज पहले भी कहीं किसी और फॉर्म में की होगी, जहां पे आप लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तभी आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैम इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, कॉस्मिक कनेक्शन पे हमने बात करी, एक बात जो हम अक्सर साइंस की थ्योरीज में देखते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक बहुत अच्छी किताब भी है इस पे, मैंने भी पढ़ी है, कई सारा रिसर्च भी मैंने इस पे किया है, सबकॉन्शियस माइंड जो आपका होता है, तो साइंस के लैंग्वेज में अगर हम एक्सप्लेन करें चीजों को, तो वो इस तरीके से होती है कि आपको अगर किसी चीज से डर लगता है, तो क्या पता आपने रात में कोई ऐसा सीरियल देख लिया हो, या आपने कोई
तस्वीर देख लिया हो, पिक्चर देख लिया हो, या किसी ने कहीं किसी पड़ोसी ने वॉक के टाइम पे किसी मर्डर की बात कर दी हो, तो वो धीरे धीरे आपके कॉन्शियस माइंड ने वो उतना उस पर ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड ने आपका वो चीज कहीं ना कहीं ग्राब कर ली है और वो आज के बाद या कई सालों के बाद वो निकलती है। तो क्या ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है या फिर ये भी कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा है, मतलब दोनों के बीच हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहली बात तो ये है, सबकॉन्शियस माइंड जो आपका है उसी के अंदर आपको एक डीवीडी फॉर्मेट में आपके पास्ट लाइफ, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में ही आपके पास्ट लाइफ। तो जब हमें करंट लाइफ में एक इंसिडेंट होता है तो हमारा जो करंट सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो सेव हो जाता है, और अगर उससे रिलेटेड कोई पास्ट लाइफ है तो उसको हम कहते हैं जागृत हो जाती है। लेकिन वो ट्रॉमा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि जलते फिरते हमारी सारी लाइफ जागृत हो रही है, वो नहीं होता है, चलते फिरते लाइफ नहीं होती, वो चीज आपको महसूस करनी होगी। अब मैंने कल ही एक जन का कुछ सेशन किया था, वो शादी नहीं कर पा रही थी, और शादी नहीं कर पा रही थी तो मैंने जब देखा कि क्यों शादी नहीं कर पा रही है, तो उसमें देखा कि एक बहुत ज्यादा फियर है, वो पास्ट लाइफ में गई, वो कोई रानी थी और जो जिसको पसंद करती थी, प्यार करती थी, वो एक्चुअली प्लांटेड था किसी मिनिस्टर ने, और फिर उसको सडनली उसको पकड़ के डंजन में भर के मार डाला। तो अब वो जैसे कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कि द रीजन आपका जो आप शादी नहीं कर पा रही हो आउटसाइड द डोर, उसको बॉडी में पैल्पिटेशन होने लगता है। बॉडी में पैल्पिटेशन कैसे होंगे, क्योंकि महसूस कर रहे हो ना, क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसे हो, धीरे 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 वो पास्ट लाइफ में गए, उन्होंने देखा वो फियर हटाया और उसको ऐसा इतना सर दर्द हो रहा था, ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा उसको जहर पिलाया था। तो वो जहर का भी जो असर है आपकी करंट लाइफ बॉडी में कहीं ना कहीं होता है, वो जहर भी पास्ट लाइफ से खत्म किया, उसको अच्छी डेथ दी, क्योंकि उसको चूहों को मारने अंदर डंजन में डाल दिया, चूहों ने खाया उसको 10-15 दिन के बाद, एंड इट वाज अ वेरी वेरी पेनफुल डेथ। इसको हम ट्रॉमा बोलते हैं, और ये आपके करंट लाइफ डिप्रेशन का कारण होता है। और उसके बाद वो अभी आई जस्ट डिड इट यस्टरडे ओनली, बट आई एम श्योर कि मैंने कहा आपको 5-6 सेशंस और लगेंगे, लेकिन आपका जो फियर है, जो पैल्पिटेशन है कि शादी नहीं हो सकती है, 100% ठीक हो जाएगा। मलाथी जगन जी है, वो अगला सवाल पूछ रही है। न्यू बॉर्न बेबीज है उनके 2-3 मंथ्स के, और 2 साल तक cry life while sleeping, sometimes the blubber some word, are they because of some past life trauma? नहीं, देखिए जब रोते हैं तो वो डेफिनेटली इसलिए रोते हैं क्योंकि जो पास्ट लाइफ के जो लोग हैं उनको उनकी याद आती है। मैंने जैसे अभी कहा कि बच्चों को पास्ट लाइफ अपनी पिछले जन्म याद रहता है क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरा एक होता है, कॉन्शियस माइंड का फिल्टर ही नहीं रहता है, वो किसी को जानते ही नहीं है यहाँ पे, तो वो लोग बहुत ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, अपने पास्ट लाइफ में रहते हैं। अच्छा, पास्ट लाइफ में ऐसा था, जैसे जैसे वो धीरे धीरे इस लाइफ में आते हैं वो भूलना चालू करते हैं। वो एक दिव्य शक्ति हमें भगवान ने ही दी है जिसकी वजह से आप कॉन्शियसली भूलते हो, नहीं तो फिर आप इस करंट लाइफ को जी ही नहीं पाओगे। और फिर वो भूलने के बाद तब आप इस करंट लाइफ में आते हैं, फिर आप है ना, जब आप 20-21 साल के होते हो ना, तब आपको लगता है अरे मेरे को मालूम करना है कि ये जो मेरे मदर है ये मेरी मदर है क्या। कितनी बार आपने देखा भी होगा कि एक बच्चे से बहुत प्यार हो जाता है और एक बच्चे से कितना भी करो प्यार नहीं होता है। और मैंने देखा है कि ना डॉटर्स, जैसे अभी कल एक जन ने मुझे पूछा कि मेरी मदर मेरे साथ अच्छी रहेगी ना, मेरी मदर मेरे को प्यार करेगी ना, मतलब वो अपनी तरफ से पूरा कर रही है, मतलब मैं कितना भी कोशिश करूँ वो मेरे को जरा भी प्यार नहीं करती है। गीतांजलि जी, ये बहुत सारे लोगों की दिक्कतें हैं, हम अक्सर बहुत कोशिश करते हैं रिश्तों में जान फूंकने की, बहुत कुछ करने की, बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन कई बार फेल हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। हम लगते हैं कि हम फेल हो गए, नहीं, हम नहीं फेल हुए हैं, हमारा रिश्ता ही वैसा था जो हमें कुछ सिखाने आया था और अब उसका मुद्दत या इद्दत खत्म हो गई है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से एटलीस्ट ये हो सकता है कि आप वो चीज से बाहर निकले, आप डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि अगर आपका रिश्ता खत्म होता है ना, वो सडनली वो इंसान बदल जाएगा या आप बदल जाओगे। जैसे कितनी बार बहुत प्यार होता है और फिर जो बॉयफ्रेंड्स आते हैं, गर्लफ्रेंड्स आते हैं कि एकदम से वो बदल गया, उन लोग बोलते हैं एकदम से बदल गया,
लेकिन वो रिश्ता ही 5 साल का था, वो रिश्ता ही 3 साल का था, उससे आगे वो जाने वाला ही नहीं था। आपका जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था वो ही 2-3 साल का था, पूरी जिंदगी का नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है इन सारी बातों के बाद बहुत सारे लोगों को समझ आने लगेगा, प्रैक्टिकली वो समझेंगे कि जी हमारी लाइफ में अगर कोई 2 साल के लिए आया, 3 साल के लिए आया, तो डेफिनेटली हाँ हमें काफी सारे लर्निंग्स देखे गए, क्योंकि उसके आने का समय उतना ही निर्धारित था और कोई वजह थी जिस वजह से वो हमारे जीवन में आए। अगला सवाल कल्पना जी पूछ रही है कि क्या हो अगर हम इस फियर या ट्रॉमा को हम ट्रीट ना करें और इसके साथ रहना सीख लें। 100%। ट्रीट का मतलब ये नहीं है, ट्रीट इन द सेंस कि अगर जैसे मुझे नहीं, अगर आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है तो आप मत करिए, बट अगर इफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ट्रीट करना पड़ेगा। और ट्रीट का मतलब ये कि हम बेसिकली आपको, अच्छा आपको इस लाइफ में तो आप रहना सीख लेंगे, आगे की लाइफ बिल्कुल तो बेटर है आप ठीक करके वैसा ही रहिए, लेकिन अपना जो नेगेटिविटी है वो तो निकालिए। जी, बिल्कुल हिमांशु जी। अगला सवाल श्रीता पूछ रही हैं, कैन इश्यूज सच एज क्लॉस्ट्रोफोबिया, सोशल एंजाइटी बी कनेक्टेड टू अ प्रीवियस लाइफ? 100%, 100%। क्लॉस्ट्रोफोबिया का जो मैंने केसेस किए हैं उसमें ये रहा है कि आइदर वो लोग कोई अर्थक्वेक में मर गए। अभी जैसे मैंने एक जन का किया था, उसको भी क्लॉस्ट्रोफोबिया और एंग्जाइटी का इशू था। वो जैसे ही उसने बोला मैं नीचे जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, और ये आएगा वो स्क्रीन पे आएगा, ये जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, और नीचे जाके स्ट्रेट शी एंटर्ड वाटर एंड शी डाइड इन वाटर। सो यू नो जब आप वाटर में मरेंगे तो आपका पूरा फेफड़ों में पानी भर जाएगा, तो आप तो इधर हो, आपके साथ एक पास्ट लाइफ जुड़ गई है जिसको फेफड़ों में पानी है, तो जैसे आप पानी को देखोगे आपको कुछ नहीं होगा, ये पास्ट लाइफ को होगा। वो बोलेगी मैं मरूंगी मैं मरूंगी मैं मरूंगी मैं मरूंगी मैं मरूंगी, तो आप वो चीज को निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली अगली बार आप पानी देखोगे तो आपको वो ट्रिगर नहीं होगा। इट्स बेसिकली अ नेगेटिव ट्रिगर, बिकॉज सी द सबकॉन्शियस माइंड का एक ही है कि आपको जीवित रखना। अभी अगर आप पानी में एक बार मर गए हो तो जब भी आप पानी देखोगे तो आपको लगेगा भाई मैं मर जाऊंगा, तो आपका पैल्पिटेशन नहीं हो रहा है, आपका फोबिया पास्ट लाइफ से। तो दिस इज नोन एज क्लॉस्ट्रोफोबिया। व्हेन इफ यू हैव अ फोबिया ऑफ स्नेक्स, व्हेन यू हैव अ फोबिया ऑफ वाटर, दैट मीन्स दैट थिंग हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डेथ इन द पास्ट लाइफ, ओके तभी उसको फोबिया बोलते हैं। जी, गीतांजलि जी, अगला सवाल है, सवीना जी पूछ रही हैं, कैन किड्स बॉर्न विद ADHD और डेवलपमेंटल डिलेज बी ट्रीटेड बाय प्रोवाइडिंग थेरेपीज रिलेटेड टू पास्ट लाइफ इश्यूज? देखिए बच्चे जो हैं उनको ADHD, बच्चे काफी जैसे बोलते हैं ना उनमें इतनी इश्यूज नहीं है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, ADHD को तो ठीक कर सकते हैं, बस साथ साथ है ना पेरेंट्स का भी पास्ट लाइफ करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स ने ही ऐसे बच्चों को अट्रैक्ट किया है, इन द सेंस उनको कुछ कार्मिक सीखना है। तो जब हम बच्चे आते हैं तो दे सिलेक्ट द पेरेंट्स, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है ना दोनों के बीच में, तो बच्चों का भी के साथ साथ पेरेंट्स का भी करना चाहिए। पेरेंट्स का करने की सलाह आप क्यों दे रही हैं? बिकॉज बच्चे आई थिंक सेलेक्ट करते हैं। बच्चे हैं 8-10 साल के बच्चे हैं, 18 साल तक एडल्ट होते हैं, तो दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द पेरेंट्स, तो अगर हम पेरेंट्स पे भी काम करेंगे तो बच्चे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स का भी सीख है कि बच्चा ऐसा ADHD, तो मोस्टली इट्स एंग्जाइटी ऑफ द मदर ऑल्सो विच द चाइल्ड एक्ट्स ऑन। आई वॉज वर्किंग ऑन अ ड्रग केस, मतलब वो लड़की की स्थिति थी, तो आई यूज पास्ट लाइफ रिग्रेशन एज वन ऑफ द मोडालिटीज। तो जब देखा तो कॉन्शियस करंट लाइफ में वो जो लेडी थी उसको अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा था, वो जो गुस्सा था उसको वो खत्म नहीं करना चाहती थी, और क्योंकि वो उसको खत्म नहीं करना चाहती थी, क्या हुआ था वो गुस्से का, उसने क्या किया, उसने वो जो लड़की है उसके भी ऑफकोर्स कनेक्शंस थे, तो उसने ड्रग्स लेना चालू किया। जैसे जैसे हमने वो लड़की पे काम किया और मदर पे काम किया, मदर का रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ भी अच्छा हो गया और लड़की ने ड्रग्स लेना भी बंद कर दिया। ये तो मैम मुझे लगता है कि लेकिन हमने साइकाइट्रिक हेल्प समाज भी थी, लेकिन सी वी हैड टेकन, आई हैड सेड वी नीड साइकाइट्रिक हेल्प अकॉर्डिंग टू दिस अल्टरनेट थेरेपी, वी स्टिल नीड साइकाइट्रिक हेल्प। हमें साइकाइट्रिक हेल्प नहीं थी क्योंकि द गर्ल वाज इन हैवी डिप्रेशन, बट शी वाज कैरिंग द एंटायर डिप्रेशन ऑफ द मदर ना। यस। गीतांजलि जी, अगला सवाल कल्पना जी पूछ रही हैं, कह रही है हम कैसे पहचाने कि जो हमारा अभी की लाइफ का ट्रॉमा है ये अभी की लाइफ का है या हमारी प्रीवियस लाइफ से जुड़ा हुआ है? इनको बोलना पड़ेगा ट्रॉमा क्या है, तो मैं बता सकती हूँ, ऐसे कैसे बता सकती हूँ मैं,
कल्पना जी, अगर आप अपना ट्रॉमा जिसके बारे में भी आप जानना चाहती हैं, आप कमेंट में हमें बता दीजिए कि वो ट्रॉमा क्या है जो कि आप वो जिसके बारे में आप अंदर जानना चाहती हैं कि ये अभी की जिंदगी का है, ये पुरानी जिंदगी का है। मुझे लगता है इन जनरल पूछ रही हैं कल्पना जी कि कोई भी देखिए, अभी देखिए, अभी करंट लाइफ में अगर आपके माता पिता आपके साथ अच्छे नहीं रहे हैं, तो माता पिता तो आपने चूज किया है, तो आप ही ने चूज किया ऐसे पेरेंट्स, तो आपको वो नेगेटिव ट्रॉमा चाहिए था, आपको वो नेगेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, सोल को फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमन को फर्क पड़ता है। तो आपने जब चूज किया, बिकॉज द पेरेंट्स डोंट चूज द चाइल्ड चूजेस द पेरेंट्स, तो इसमें आपका अगर ट्रॉमा पेरेंट्स को रिलेटेड है तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ का है, हस्बैंड से रिलेटेड तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ का है, सास ससुर से रिलेटेड तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ का है, अगर आपका बच्चों से रिलेटेड है तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ का है। कभी कभी हमारे पास बहुत बिजनेस, हम बहुत ऊंचा कर लेते हैं, बहुत जगह पहुंच जाते हैं, एकदम से गिरते हैं, वो भी पास्ट लाइफ का है। फियर ऑफ राइट्स एंड फियर ऑफ मेन, कल्पना जी का जवाब आया है। राइट्स एंड मेन, राइस, RIC, राइस, RIDES, राइट्स, चावल, चावल, राइड्स, राइड पे जाना, राइड, राइड, फियर ऑफ राइट्स। देखिए फियर ऑफ राइट्स तो करंट लाइफ फियर होगा, पास्ट लाइफ नहीं है, ये करें उन्होंने कहीं सुना होगा, देखा होगा तो खुद करा होगा, बट फियर ऑफ मेन है ना उनको, वो पास्ट लाइफ ट्रॉमा है। निशा जी एक सवाल पूछ रही हैं, हमारे पास चूंकि समय कम है, देखिए आप जल्दी जल्दी से सवाल पूछिए क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, तो हम जल्दी जल्दी बस रैप अप करेंगे। गीतांजलि जी अगला सवाल निशा जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे मेरी सास से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हम बात नहीं करते हैं, जब भी बात करते हैं सब कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि लड़ाइयां हो जाती है, तो क्या ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है? दोनों का नेचर भी अलग है और पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई हो रही है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कार्मिक बॉन्ड है, वो उसको सॉल्व करेंगे तो काफी फर्क पड़ जाएगा। जी कार्मिक बॉन्ड का गीतांजलि जी आपने कई बार ही नाम लिया, ये कार्मिक बॉन्ड क्या है? वही आपका जो कॉस्मिक बॉन्ड है वो कार्मिक बॉन्ड होता है, तो कार्मिक मतलब मुझे ये इतने कर्म, आई हैव सिलेक्टेड माई मदर इन लॉ टू शो मी द लेसन ऑफ कंपैशन और द लेसन ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि मतलब वो मुझे ह्यूमिलिएट करेगी, मुझे सीखना है कि मेरे को वो जो ह्यूमिलिएशन का लेसन सीखना है मुझे, उसके लिए मैंने उनको चूज किया है। तो अगर मैंने अपने आप को बोला कि मैंने वो लेसन लर्न कर दिया, यू प्लीज डोंट टीच मी, तो उनमें फर्क आ जाएगा। ओके मैम, ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से जुड़ा होता है कि हम इस जन्म में अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे अगले जन्म में, हमारे जो रिश्ते हम चुनते हैं उस पर पड़ेगा। हाँ जी, तो हमारा होता है प्रारब्ध कर्म, हम जो अभी करते हैं वो प्रारब्ध कर्मा हमारा है, तो हमारा एक संचिता कर्मा है, उसमें से हम प्रारब्ध कर्मा सोच के हम करंट लाइफ में लेते हैं। फिर वो जो प्रारब्ध कर्म है उसमें कुछ ऐसे होते हैं अनरब्ध कर्म होते हैं कि जो आने वाले हैं, एक होते जो चलते रहते हैं, फिर जो इस करंट लाइफ में हमने अच्छे काम किए उसको हम बोलते हैं आगामी कर्म, तो हमारे पास्ट, हमारे फ्यूचर लाइफ में वो आगामी कर्म हेल्प करेंगे। तो अगर सपोज मैंने किसी को हेल्प करी इस लाइफ, हो सकता है मुझे उसका बेनिफिट इस लाइफ में नहीं मिला, पर वो मेरे संचिता कर्म में जुड़ जाएंगे और मुझे आगे की जिंदगी में उसका मुझे कर्म मिलेगा, अगर मैंने बर्थ लिया तो, अगर नहीं लिया तो देन इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड इन दिस लाइफ। इन द सेंस आपके आपका जो बर्थ लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो, ये सारा का सारा इज ऑल्सो अ डिफरेंट मैटर कि आप लेंगे नहीं लेंगे, ये पूरी खेल है। अगर जब तक आपका संचिता कर्म जीरो नहीं हो जाता है, आपको बर्थ लेना ही पड़ेगा फिजिकल बॉडी में, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम ये कह सकते हैं गीतांजलि जी, जो कि मुझे समझ में आया कार्मिक बॉन्ड से, कर्मा से, कि हमें डेफिनेटली आपके जो संचित कर्म है उनका फल आप भुगतेंगे, आप वो सारी चीजें आपके साथ चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप इतने अच्छे कर्म कर लें इसी जन्म में तो जो संचित कर्म है जिनका आपको भुगतना है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, क्या इससे फर्क पड़ता है? नहीं, अब ये बहुत अच्छा है, मैंने जब जब सीखा था तो मुझे पता चला था कि आपको अच्छे कर्म का रिजल्ट अच्छा मिलता है और नेगेटिव का नेगेटिव मिलता है, तो ये नहीं है कि हमने 100 अच्छे किए और एक खराब किया तो 99 हो गए, ओके, 100 अच्छे का मिलेगा और एक जो खराब किया उसका भी कर्म मिलेगा, आप जीरो नहीं कर सकते हो, मतलब आप भाग नहीं सकते अपने कर्मों से। हाँ सही कहा आपने, आप भाग नहीं सकते हो, आपको वो कर्म आपके सामने आएगा ही ना आएगा, इस जन्म में या अगले जन्म में, कौन से भी जन्म में आएगा ही आएगा।
आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी, देखिए हमारे पास समय की बहुत कमी है, और साथ में मैं आपसे अपने दर्शकों से ये भी अपील करना चाहूंगी, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई जितनी आपके टॉपिक्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। हम गीतांजलि जी के साथ जब भी अगला लाइव सेशन हम करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि सेलेक्ट करें आप सभी के टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी गरिमा शर्मा जी का, पूछ रहे हैं कि लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस कैन बी रिलेटेड टू पास्ट लाइफ, हाउ वी कैन ओवरकम of confidence lack of confidence lack of confidence is current life issue we need to do age okay. regression current life mein kahin na kahin unhone kahin apna confidence lose kiya hai क्या फिर कुछ कभी बोल रही थी और लोग हंसने लगे या स्टेज फ्राइट या उनको जब बोलना चाहती थी तो लोगों ने बोलने नहीं दिया या उनकी मदर ने उनको ये सिखाया कि ज्यादा बोलते नहीं है या यू नो ऐसे ही रहो, तो उनका करंट लाइफ इशू है, ये पास्ट लाइफ इशू बिल्कुल नहीं। चलिए गीतांजलि जी बहुत बढ़िया चर्चा रही है ये, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी देख रहे थे डॉक्टर गीतांजलि शर्मा सक्सेना को, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस लाइव सेशन में। इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि देखिए जो गीतांजलि जी ने हमारे साथ बातें साझा की है वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर सकती है। कई बार हम उलझे रहते हैं अपने रिश्तों में, उन रिश्तों की कड़वाहट में, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम इतने एफर्ट कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भी इतना एफर्ट कर रहा है, लेकिन हमें वो बीच का जो एक डिस्टेंस है, जो एक दूरी है, वो हम क्यों पाट नहीं पा रहे हैं। तो इस लाइफ को आप शेयर करिए ताकि ये जो पहलू है, पास्ट लाइफ का जो पहलू है, ये भी लोगों तक पहुंचे। अगले सेशन में हम पूरी कोशिश करेंगे, आप हमें सब्जेक्ट लिखकर भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप किस पास्ट लाइफ के किस विषय से जुड़ी चर्चा चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे गीतांजलि जी को अगले सेशन में जोड़ने के लिए। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी, देखिए जो पूरा इस लाइव सेशन का जस्ट था, जो एक समरी थी, वो यही है कि आपके पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं आप पे अफेक्ट डालती है, आपके साथ जुड़ी होती है। तो आप हर चीज को ऐसा ना समझें कि ये हमारे इस जन्म की वजह से हो रहा है या इसमें हमारी कोई कमी है। अगर आपके साथ कोई रिश्ता खराब भी हो रहा है तो आप जानने की कोशिश करिए और आप उसको संभालने की कोशिश करिए, ना कि उसको छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दीजिए, कर्मों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। गीतांजलि जी, मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं 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 थैंक यू सो मच, एंड आई रियली होप कि लोगों को इससे बेनिफिट होगा, एंड डेफिनेटली मैं आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर ऑन स्पीकिंग ट्री। इला जी थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ एक्सेलेंट होस्ट, आपने इतने आसानी से क्वेश्चंस पूछे, मुझे पता ही नहीं चला समय कैसे गया और मैंने कैसे जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी। स्पीकिंग ट्री बहुत कोशिश करता है कि लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाए, और हमारे काफी सारे स्पीकर्स हैं जो अध्यात्म से जुड़ी हुई, हमारे जितने और टॉपिक से, हेल्थ से जुड़े, पेरेंटिंग से जुड़े हैं, जो ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं, आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब पेज को भी लाइक कर सकते हैं, स्पीकिंग ट्री के यूट्यूब पेज को। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करिए, क्योंकि जल्दी से हम वहां भी लाइव सेशन की एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।